सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि इंडियन मार्केट में अभी जो यामाहा की जो बाइक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 जो 155 सीसी में लॉन्च हुई थी और इस समय इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करूंगा यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 बाइक के बारे में। और अभी करंटली जो लॉन्च हुई है रॉयल की जो बाइक है रॉयल इनफील्ड 100/350 बाइक, तो इन दोनों ही बाइकों के मैं बारे में बात करूंगा, दोनों ही बाइकों को लेकर के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों ही बाइकों की माइलेज एंड टॉप स्पीड क्या रहने वाली है और एक्सट्रीम प्राइस जो है वो क्या रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहले MT-15 वर्जन 2.0 बाइक के माइलेज के बारे में कि माइलेज जो है क्या रहा है, लोगों ने परचेज कर लिया है इस बाइक को और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ MT-15 वर्जन 2.0 बाइक के माइलेज के बारे में तो इस बाइक का माइलेज जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट निकल करके आ रहा है। अगर सिंगल पर्सन अगर बंदा इस बाइक को राइड करता है तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर मैं माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो 50+ इस बाइक का माइलेज देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ टॉप स्पीड के बारे में तो टॉप स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रही है 130 किलोमीटर पर हावर अप्रॉक्सीमेट देखने को मिली, यानी कि 130 की स्पीड ये बाइक निकाल रही है। अगर सिंगल पर्सन अगर इसको राइड करता है तो 130+ की ये बाइक टॉप स्पीड दे रही है। तो गाइस, ये तो बात हो गई MT-15 वर्जन 2.0 बाइक की माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। अगर मैं एक्सट्रीम प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइस, एक्सट्रीम प्राइस जो है इस बाइक के रहे हैं वो 1,64,400 रुपीज़ एक्सट्रीम प्राइस बाइक के रहे हैं। और ऑनरोड प्राइस के बारे में तो आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, तो एक्सट्रीम प्राइस मैंने आपको बता दी 1,64,400 रुपये MT-15 वर्जन 2.0 के एक्सट्रीम प्राइस। अब गाइस, बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड 100/350 बाइक के बारे में जो कि करंटली लॉन्च हुई है। तो गाइस, अगर मैं इसकी इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो इंजन है वो 349.34 सीसी का इंजन इस बाइक के अंदर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के माइलेज के बारे में तो गाइस, माइलेज जो है इस बाइक का यानी कि रॉयल इनफील्ड 100/350 का जो माइलेज है वो 36.2 किलोमीटर पर लीटर अप्रॉक्सीमेट देखने को मिला है। तो गाइस, आपको पता चले गया हो कि MT-15 वर्जन 2 का जो माइलेज है वो कितना है और रॉयल इनफील्ड 100/350 का जो माइलेज है वो कितना है। अगर मैं बात करूँ इस बाइक की टॉप स्पीड के बारे में तो रॉयल इनफील्ड 100/350 की जो टॉप स्पीड है वो 114 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट देखने को मिली है। तो गाइस, टॉप स्पीड को और माइलेज को लेकर के दोनों के बारे में आपको पता चली गया हो कि MT-15 वर्जन 2 की टॉप स्पीड क्या है, माइलेज क्या है और रॉयल इनफील्ड 100/350 की टॉप स्पीड क्या है और माइलेज क्या है, दोनों ही के बारे में आपको बता दिया है कि क्या कंपेरिजन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ अब दोनों ही बाइकों की प्राइस के बारे में तो गाइस, MT-15 वर्जन 2 के प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ 1,64,400 रुपये एक्सट्रीम प्राइस हैं और इस बाइक के यानी कि रॉयल इनफील्ड 100/350 के जो एक्सट्रीम प्राइस हैं वो 1,49,900 रुपये यानी कि 1,49,900 रुपीज़ इस बाइक के एक्सट्रीम प्राइस रखे गए हैं। और ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई और दोनों ही बाइकों के बारे में माइलेज को लेकर के, टॉप स्पीड को लेकर के और एक्सट्रीम प्राइस को लेकर के आपको प्रॉपर तरीके से पता चली गया होगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक को परचेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको रॉयल चाहिए तो रॉयल और यामाहा की बाइक MT-15 वर्जन 2 चाहिए तो वो आप परचेज कर सकते हो। कौन सी ज़्यादा बेस्ट है वो आपको पता चले गया होगा प्राइस को लेकर के और माइलेज को लेकर के, टॉप स्पीड को लेकर के, एक्सट्रीम प्राइस को लेकर के, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।